उधर हमास और इसराइल के बीच छिड़ी जंग के दौरान लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा दावा किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उत्तरी इसराइल में उसके लड़ाकों ने रॉकेट दागकर एक चर्च को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया और 58 सेकंड के इस वीडियो के 11वें सेकंड पर एक जोरदार हमला होता दिखा। खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जिस इमारत को निशाना बनाकर रॉकेट दागा वो उत्तरी गाजा के इकरित में बनी सेंट मैरी चर्च थी। वीडियो की शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, इमारत के बाहर कुछ लोग चलते फिरते नजर आए, लेकिन अगले ही पल वहां सफेद धुआं उड़ाता हुआ एक रॉकेट आता दिखाई दिया और पलक झपकते ही फट गया। इसके बाद वहां चारों तरफ बारूद बिखर गया और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस हमले में 80 साल का एक बुजुर्ग घायल हो गया जो चर्च में प्रार्थना के लिए आया था। सूचना मिलने पर उसे बचाने के लिए जैसे ही इसराइल की सेना के जवान वहां पहुंचे, हिजबुल्लाह के लड़ाकू ने चर्च को निशाना बनाकर एक और मिसाइल दाग दी। दूसरे धमाके से पहले उस जगह पर 5 से 6 लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन विस्फोट होते ही वहां चारों तरफ धुआं फैल गया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि चर्च पर बुजुर्ग को बचाने पहुंचे इसराइल के 9 सैनिक उनके हमले में घायल हो गए। और इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इस हमले ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। इसराइल ने लेबनान की सीमा से लगे उसके ईसाई गांव पर रॉकेट हमले पर नाराजगी जाहिर की और दो टूक कहा कि हिजबुल्लाह की इस गलती की कीमत पूरे लेबनान को चुकानी पड़ेगी। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इकरित में चर्च पर हुए हमले में उसके 9 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि 8 जवानों को भी हल्की चोटें आईं। इसराइल की सेना ने बताया कि इलाज के दौरान एक सैनिक की मौत भी हो गई। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जिस गांव को निशाना बनाकर रॉकेट दागे वो ईसाइयों का गांव है और लेबनान की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों के बाद इसराइल की सेना ने पूरे गाजा पर जोरदार हमले शुरू कर दिए थे। हमास के ठिकानों पर आसमान से बम बरसाए गए तो वहीं ग्राउंड ऑपरेशन करके उन्हें पूरी तरह तबाह करने का दावा इसराइल की तरफ से किया गया। गाजा पर हमलों से बौखलाए लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इसराइल की उत्तरी सीमा पर जंग का मोर्चा खोल दिया। इसराइल का दावा है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह के लड़ाके उसकी सीमा में खून खराबा कर रहे हैं और हमास की तरह इसकी बहुत भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी।